हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। हम देखते हैं कि जिंजू नामगिल के साथ और बांधु सोयंग के साथ कॉलेज जा रहा था और वो दोनों एक दूसरे के सामने से गुजरते हैं और क्लास में बांधु नामगिल के कंधे को देख रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जिंजू बारिश से भीग जाए, इसलिए उसने छाता जिंजू की तरफ किया हुआ था जिसकी वजह से वो भीग गया था। और जिंजू बांधु के कंधे को देख रही थी क्योंकि यही सेम चीज उसने सोयंग के लिए की थी। और तब जिंजू को वो टाइम याद आता है जब बांधु बारिश में उसे पिक करने आया था और वो दो छाते लाया था ताकि वो भीग ना जाए और सोयंग के लिए उसने खुद को भीगने दिया। और क्लास खत्म होने के बाद जिंजू बांधु से बात करती है कि उसे उसके सोयंग के साथ डेट पर जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर क्या वो किसी और थिएटर में नहीं जा सकता था। तब बांधु कहता है कि सोयंग उसे वहाँ लेकर गई थी और वैसे भी अभी उसके डैड उसे नहीं जानते। और बांधु कहता है कि उन्हें नहीं पता कि वो कब वापस फ्यूचर में चले जाएं, पर फिर भी वो दूसरे लड़के के साथ डेट पर जा रही है और वो लड़का हमेशा उसके आसपास ही रहता है। तब जिंजू कहती है कि वो पहले खुद को देखे और वो उसे बताती है कि जब वो कॉलेज जा रही थी तो उसने सोयंग के पास छाता देखा था जिसे उसने अपने बैग में रख लिया था। और उसकी बात सुनकर बांधु खुश हो जाता है और उसे कहता है कि सोयंग कितनी क्यूट है और उसने वो छाता छुपाया क्योंकि वो उसके साथ एक ही छाते में जाना चाहती थी। तभी वहाँ गोदुग्जे आता है और जिंजू वहाँ से चली जाती है। फिर बांधु हॉस्टल के रूम में जाता है जहाँ वो बोरम और जेवू को देखता है और उसे पता चलता है कि वो दोनों अब रिलेशनशिप में हैं और वो जेवू से कहता है कि वो भी बोरम को छोड़ दे क्योंकि फ्यूचर में वो इस फैसले पर बहुत पछताने वाला है। और तब वो उसे दोष नहीं दे सकता कि उसने उसे कुछ नहीं बताया। और दूसरी तरफ जिंजू भी बोराम को यही बोल रही थी कि वो जेवू को छोड़ दे वरना फ्यूचर में वो बहुत पछताएगी, पर वो दोनों ही उनकी बातें नहीं सुनते। और तभी गोदुग्जे कुछ सामान लेकर रूम में आता है और वो उनके फेस्टिवल के कैंपस टैलेंट शो में परफॉर्म करने वाला था। तभी बांधु को याद आता है कि उसने ये शो किया था और फिर उसकी इस वीडियो की वजह से सब उसका बहुत मजाक उड़ाते थे, इसलिए वो दोबारा ये शो नहीं करेगा और वो उन्हें वहाँ छोड़कर वहाँ से चला जाता है। फिर उनके कॉलेज का फेस्टिवल शुरू होता है और नामगिल उस फेस्टिवल में नहीं जाना चाहता था, पर वो जिंजू को वहाँ देखता है और वो वहीं बैठ जाता है। दूसरी तरफ बांधु भी सोयंग के साथ फेस्टिवल में जाता है और सोयंग उसे पूछती है कि क्या वो टैलेंट शो में पार्टिसिपेट कर रहा है, पर बांधु कहता है कि वो एक ही गलती दोबारा नहीं करेगा और उसे टीवी पर आने का भी कोई शौक नहीं है, इसलिए वो टैलेंट शो में नहीं जाएगा। तभी सोयंग के पास उसकी मॉम का फोन आता है और वो उसे किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए फोर्स कर रही थी, पर सोयंग उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती थी इसलिए वो उसका फोन काट देती है। और बांधु उससे कहता है कि उसे नहीं पता था कि वो गुस्सा भी होती है। और सोयंग कहती है कि एक इंसान में सिर्फ अच्छाई ही नहीं होती, कुछ बुराइयां भी होती हैं। दूसरी तरफ जिंजू सीनियर्स के फूड स्टॉल में जाती है और क्योंकि उन्हें खाना बनाना नहीं आता था इसलिए जिंजू उनकी कुकिंग में मदद करती है और सब उसकी कटिंग और कुकिंग स्किल्स को देखकर चौंक जाते हैं, पर उन्हें अभी भी जिंजू के खाने पर डाउट था इसलिए जिंजू सबको अपने हाथ से एक बाइट खिलाती है। और जब नामगिल का नंबर आता है तब जिंजू के सीनियर्स उसे बताते हैं कि वो ये डिश अपने मेन्यू में रखना चाहते हैं और उसे कम से कम 100 लोगों के लिए ये बनाना होगा, जिसे सुनकर जिंजू को शौक लगता है और उनके इंग्रेडिएंट्स भी आ जाते हैं। और जिंजू के सीनियर उससे कहते हैं कि वो उसे ये काम अकेले नहीं करने देंगे। फिर कुछ लोग उनकी मदद करने आते हैं जो आर्मी से थे, जिन्हें पता था कि 100 लोगों का खाना कैसे बनाते हैं। और तब जिंजू का सीनियर उसके पास आता है और उससे कहता है कि अगर वो उनकी हेल्प करने ही वाली थी तो उसे मे क्वीन कॉन्टेस्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए था और वो चाहता था कि उनके डिपार्टमेंट से कोई उसके लिए अप्लाई करे, पर उसने उसे मना कर दिया। और वो आर्मी वाले जो खाना मिक्स कर रहे थे उसकी सॉस जिंजू के कपड़ों पर लग जाती है और उसे देखकर नामगिल और उसका दोस्त हंसते हैं और उसके दोस्त का ध्यान जिंजू पर था जिसकी वजह से वो नामगिल पर कॉफी गिरा देता है। फिर हम देखते हैं कि गोदुग्जे अपनी क्लास में जा रहा था और वो वहाँ बोराम और जेवू को किस करते हुए देखता है और बोराम के वहाँ से जाने के बाद वो जेवू से कहता है कि क्या उसे नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा हो रहा है, क्योंकि वो जब भी उन्हें देखता है तो वो हमेशा किस ही कर रहे होते हैं और उसे लगता है कि अगर कोई तुम्हें डेट करे तो उसके पीछे उनका कोई रीजन होता है, जैसे वो बोराम को पसंद करता है ये उसका रीजन है, इसी तरह बोराम का भी कोई रीजन होगा और उसे लगता है कि वो उसकी बॉडी है। और जब जे वो कॉफी लेने जाता है तब वो दो लड़कियों को भी यही बात करते हुए सुनता है कि उस लड़की का बॉयफ्रेंड उसके साथ सिर्फ फिजिकल टच के लिए है और उसे बोराम पर शक होता है। फिर बांधु सोयंग के साथ फेस्टिवल में जाता है और वो वहाँ जाकर बहुत खुश था और वो सोयंग के साथ हर एक स्टॉल पर जाता है और जिंजू उन दोनों को साथ देखती है। और जब बांधु गुब्बारे फेंकने वाली गेम पर जाता है तो उसके सीनियर्स उसे पहचान लेते हैं और उससे कहते हैं कि वो सुबह से उसे ढूंढ रहे हैं पर वो उन्हें कहीं नहीं मिला क्योंकि वो डेट पर है।
और वो कहते हैं कि वो सभी यहाँ मेहनत कर रहे हैं पैसे इकट्ठा करने के लिए और वो अपनी डेट इंजॉय कर रहा है। तभी जिंजू वहाँ आती है और वो कहती है कि वो उन्हें $1 देने के लिए तैयार है, पर वो निशाने पर बांदू को रखना चाहती है और बांदू के सीनियर्स उसे वहाँ खड़ा कर देते हैं और जिंजू उस पर काफी सारे बलून्स फेंकती है, और काफी से मेरा मतलब है काफी। और सोयोंग को जिंजू का बर्ताव अच्छा नहीं लगता और वो गोदुक जैसे कहती है कि उसे बांदू की चिंता हो रही है और क्या वो उसकी जगह किसी और को नहीं ले सकते, पर जिंजू कहती है कि उसका टारगेट सिर्फ बांदू है। और गेम खत्म होने के बाद गोदुक जी बांदू के पास जाता है और उसे कहता है कि आज सोयोंग को उसकी बहुत चिंता हो रही थी और उसे लगता है कि सोयोंग उसे पसंद करती है। तभी जेवू भी वहां आता है और उसका मूड बहुत ज्यादा खराब था और गोदुक जी बांदू से कहता है कि वो अपने यूनिफॉर्म चेंज कर ले क्योंकि वो टैलेंट शो में जाने वाले हैं, पर बांदू कहता है कि वो उनके साथ पार्टिसिपेट नहीं करेगा और उन्हें भी नहीं करना चाहिए। पर गोदुक जी उससे कहता है कि वो ये शो करेंगे और वो उनकी फोटो खींच सकता है। तभी वहाँ सिंगर कांगदू हु आता है और सब उसे देखने के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ नामगिल एक शॉप में अपने लिए पैंट खरीदने जाता है और वहाँ वो एक ड्रेस देखता है जो उसे जिंजू के लिए पसंद आती है और वो उसे खरीद लेता है क्योंकि जिंजू के कपड़ों पर सॉस गिर गई थी। पर उसे ये समझ में नहीं आता कि वो जिंजू को ये कैसे देगा, और पहले वो गिफ्ट की तरह उसे वो देना चाहता था पर वो बॉक्स में से उसे निकाल लेता है। फिर वो सोचता है कि जिंजू नई ड्रेस समझकर उसे नहीं लेगी, इसलिए वो उसे तोड़ मरोड़ कर रख देता है। और जब वो वहाँ जाता है तब सोयोंग भी वहाँ आती है और गोदुकजे सोयोंग को वहाँ बुलाता है और चंसोल नामगिल को, और जिंजू उनके लिए खाना बनाती है और वो बांदू और सोयोंग को ही देख रही थी और बांदू नामगिल को जो जिंजू को ही देख रहा था। फिर नामगिल जिंजू से कहता है कि वो उसे भी खाना दे क्योंकि उसने अभी तक उसकी डिश टेस्ट नहीं की, और जिंजू उसे एक प्लेट में खाना देती है। पर नामगिल उसका हाथ पकड़ता है और वो बाइट लेने ही वाला था, तभी बांदू जिंजू का नाम लेता है और उससे कहता है कि उसकी शर्ट पर दाग लगा हुआ है एक ओल्ड लेडी की तरह। जब नामगिल बांदू को देखता है तो उसे याद आता है कि वो वही लड़का है जिसने डॉक्टर पार्क को स्विमिंग पूल में धक्का दिया था। और तभी जिंजू का सीनियर वहां आता है और उसे मेकविन कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए कहता है क्योंकि उस कॉन्टेस्ट की एक पार्टिसिपेट वहां नहीं थी, पर जिंजू से मना कर देती है। तभी बांदू जिंजू से कहता है कि वो ऐसे ही किसी को भी मेकविन नहीं बनाते और वो वहां जाकर खुद को शर्मिंदा ना करे। तब जिंजू कहती है कि उसके पास अच्छे कपड़े नहीं है, और नामगिल उसे वो ड्रेस देता है और कहता है कि ये उसकी छोटी बहन के कपड़े हैं पर वो उन्हें पहन सकती है। पर बांदू अभी भी जिंजू से यही बोलता है कि वो मेकविन नहीं बन सकती। तब जिंजू को गुस्सा आता है और वो कहती है कि अगर वो जीत गई तो वो क्या करेगा। तब बांदू हंसता है और जिंजू पार्टिसिपेट करने के लिए मान जाती है, और उसका सीनियर उसे मेकअप रूम में ले जाता है। फिर मेकविन कॉन्टेस्ट शुरू होता है और उस शो का होस्ट सभी कॉन्टेस्टेंट को स्टेज पर बुलाता है और उन्हें इंट्रोड्यूस करवाता है, और सबसे लास्ट में जिंजू स्टेज पर आती है और वो सबको बहुत पसंद आती है। फिर होस्ट उससे पूछता है कि वो उन्हें अपना क्या टैलेंट दिखाना चाहती है, पर जिंजू कहती है कि उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता था और उसके पास ऐसा कोई टैलेंट नहीं है। तब होस्ट कहता है कि वो डांस कर सकती है, गाना गा सकती है या किसी की एक्टिंग कर सकती है। तब जिंजू को याद आता है कि उसकी मम बहुत अच्छी सिंगर है और उसकी आवाज भी बहुत अच्छी है, इसलिए वो गाने का ऑप्शन चूज करती है और वो गाना गाती है और सबको उसकी परफॉर्मेंस बहुत पसंद आती है। और उसकी परफॉर्मेंस को देखकर बांदू को ये रियलाइज होता है कि उसने कभी जिंजू को समझने की कोशिश नहीं की और जिंजू ने उसके लिए कभी अपनी लाइफ को अहमियत नहीं दी। और कंपटीशन खत्म हो जाता है पर जिंजू जीत नहीं पाती, और गोदुक जी जाते जाते बोराम से पूछता है कि वो जेवू को डेट क्यों कर रही है और उसका क्या रीजन है। तब बोराम कहती है कि क्योंकि जेवू इजी है इसलिए वो उसे डेट कर रही है, और जेवू उसकी बातें सुन लेता है। दूसरी तरफ म्योंग वॉशरूम में अपने कपड़े बदलने जाती है, पर वो मेन टॉयलेट बंद था इसलिए वो लड़कों के टॉयलेट में चली जाती है, और नामगिल उसे अंदर जाते हुए देख लेता है। और उसके अंदर जाते ही वहाँ डॉक्टर पार्क और उसके कुछ दोस्त आते हैं और वो जिंजू के बारे में ही बात कर रहे थे, और डॉक्टर पार्क बोलता है कि जिंजू उसकी है इसलिए उनमें से कोई उसे अप्रोच ना करे और जब वो उससे बोर हो जाएगा तो वो उसे अप्रोच कर सकते हैं। और उसकी बात सुनकर जिंजू को बहुत गुस्सा आता है और वो कपड़े चेंज कर बाहर आती है, पर तब तक सब जा चुके थे और सिर्फ नामगिल ही बाहर था। तभी वो किसी की आवाज़ सुनते हैं जो वॉशरूम में ही आ रहा था, और वो दोनों टॉयलेट में छुप जाते हैं, और जो वॉशरूम में आया है वो बांदू है, और वो वहाँ पर जिंजू की पिन देखता है जिसकी वजह से वो टॉयलेट का दरवाजा खोलता है और वो जिंजू और नामगिल को वहाँ देखता है और जिंजू से पूछता है कि वो ये क्या कर रही है, पर नामगिल उससे कहता है कि वो ये पूछने वाला कौन है। तब जिंजू वहाँ से बाहर चली जाती है और वो दोनों भी बाहर जाते हैं।
फिर जिंजू नामगिल को वो ड्रेस वापस देती है और बांधू कहता है कि उसे पता है कि उसकी कोई बहन नहीं है और उसने ये ड्रेस किसी लड़की को देने के लिए ली होगी। तब नामगिल कहता है कि वो बिल्कुल सही है और उसने ये ड्रेस जिंजू के लिए ही खरीदी थी और उसे उम्मीद है कि उसे ये ड्रेस पसंद आई होगी। और नामगिल जिंजू के सिर को सहलाता है और वहाँ से चला जाता है और ये देखकर बंदूक खुश नहीं था। और फिर जिंजू भी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जब जिंजू कॉलेज जाती है तब डॉक्टर पार्क उसे मैसेज करता है और क्योंकि अब जिंजू को पता है कि बंदू ने उसे फोन करने से क्यों मना किया था और डॉक्टर पार्क कैसा है, इसलिए उसे डॉक्टर पार्क पर बहुत गुस्सा आता है। दूसरी तरफ बंदू भी कॉलेज आता है और वो सोयोंग को देखता है और उसके पास जाता है और तब सोयोंग अपनी मॉम से बात कर रही थी क्योंकि उसकी मॉम चाहती है कि वो कंपटीशन में हिस्सा ले, पर सोयोंग पहले ही 3 कंपटीशन में हिस्सा ले चुकी है और अब वो खुद के लिए थोड़ा टाइम चाहती है। और बंदू उसकी बातें सुन लेता है और कहता है कि अगर वो उसकी जगह होता तो वो घर छोड़कर चला जाता, तो उसके पेरेंट फिर उसे फोर्स नहीं करते। और बंदू ये बात मजाक में बोल रहा था जिससे सोयोंग को हंसी आ जाती है। और तभी जिंजू से फोन करती है और उससे पूछती है कि वो इस वक्त कहाँ है और वो बंदू से पूछती है कि डॉक्टर पार्क कौन है। तब बंदू को जिंजू की चिंता होती है और वो उससे कहता है कि डॉक्टर पार्क ने उसके साथ कुछ किया तो नहीं, क्योंकि उसे लगता है कि डॉक्टर पार्क ने उसके साथ कुछ किया है, इसलिए वो स्वयं को छोड़कर जिंजू के पास जाता है और वो जिंजू को डॉक्टर पार्क के बारे में सब कुछ बताता है कि उसने पैसों के लिए अपनी वाइफ से शादी की और उसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हैं। तब जिंजू उससे पूछती है कि उसे डॉक्टर पार्क के बारे में इतना कैसे पता और क्या वो भी उसके साथ मिला हुआ था। तब बंदू उसे बताता है कि एक सेल्समैन को अपनी चीजों की सेल करने के लिए दूसरों के कामों में मदद करनी पड़ती है। तब जिंजू का एहसास होता है कि इसलिए बंदू रोज रात को लेट आता था और वो भी बिना कुछ खाए और उसे बंदू के लिए बुरा लगता है और वो कहती है कि वो उससे बदला लेना चाहती है। पर बंदू कहता है कि उन्हें नहीं पता कि वो कब तक यहाँ है और उन्हें अपने दिन डॉक्टर पार्क पर वेस्ट नहीं करने चाहिए और वैसे भी वो उससे अपना और उसका बदला ले चुका है। और वो जिंजू को बताता है कि एक बार उसने कोक का कैन उसे शेक कर दिया था जिससे उसे खोलते ही पूरी कोक उस पर गिर गई थी और एक बार उसने उसे स्विमिंग पूल में धक्का दिया था। पर जिंजू कहती है कि वो उसे सबक सिखाना चाहती है। तब बंदू कहता है कि क्या वो ये इसलिए कर रही है क्योंकि उसे उसके लिए बुरा लग रहा है कि इतने सालों तक डॉक्टर पार्क ने उसे कितना परेशान किया। पर जिंजू कहती है कि यह भी एक वजह है, पर वो लड़कियों की फीलिंग्स के साथ खेलता है और पैसों के लिए एक लड़की का फायदा उठा रहा है, इसलिए उन्हें उसे सबक सिखाना होगा। आगे क्या होता है ये जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। साइड स्टोरी में हम देखते हैं कि बंदू और उसके दोस्तों ने टैलेंट शो में क्या किया था और वहीं उसने सबको ये बताया था कि जिंजू उसकी गर्लफ्रेंड है और वो टीवी पर आ रही थी और उसके मॉम डैड को भी तभी पता चला था कि जिंजू का बॉयफ्रेंड है और वो बंदू है और उस वक्त जिंजू बंदू से बहुत प्यार करती थी और उसके ऐसे शो के बाद भी वो उसे चीयर कर रही थी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अन्यंग एवरीवन।